हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एप्सन एल 31S सीरीज प्रिंटर के बारे में, जिसमें तीनों लाइट एक साथ ब्लिंक कर रही है। इस पे पहले आप जब प्रिंटर ऑन करते हैं तो हेड क्लीन सामने आता है, इसके बाद तीनों लाइट एक साथ ब्लिंक करने लगते हैं और कोड आ जाता है 00 0031। इसमें आपको क्या करना है, ये जो कोड है ये हेड का कोड है, यानी आपके जो प्रिंटर है हेड में टैंक से हेड तक स्याही नहीं जा पा रही है, या तो आपने लोकल इंक फिल किया है, इसकी वजह से ये कोड आती है। तो ये जो कोड है इसको सॉल्व करने के लिए, अगर आपने लोकल फिल किया है इंक, तो आपको पूरा इंक हटा के और आपको नई फिल करनी पड़ेगी। अगर आपने लोकल इंक फिल नहीं किया है और तब भी एरर कोड आ रहा है, तो ये डिस्प्ले में रहा आपका जो सलूशन है, ये सलूशन आपकी डिस्प्ले में रहा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इसका सलूशन, इस प्रॉब्लम से आप छुटकारा पाइए। हाय फ्रेंड्स, अगर आपके प्रिंटर में ऐसा एरर आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको पहले प्रिंटर को ऑफ कर देना है। हमने जैसा कि प्रिंटर ऑफ कर लिया है, आपको जो बैक साइड वाला प्लग है इनको आपको बाहर निकाल लेना है, कि मैंने इसको निकाल दिया है और इसको भी मैंने निकाल दिया है। निकालने के बाद अब आपको इस प्रिंटर को बैक साइड खोलना है। जैसा कि हम अब बैक साइड वाला पोजीशन खोल रहे हैं, तो ये नट ओपन करेंगे हम इसको, और मैंने ये नट ओपन कर लिया है। ये बेस्टिंग पैड का कवर ओपन करेंगे, हमने ये इसको पीछे करके ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद हम इस नट को ओपन करेंगे, इस नट को हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पे एक लॉक होता है, तो इसको पकड़ के बाहर खींचे, यानी अपनी ओर खींचे, मैंने इसको बाहर खींच लिया है। इसके बाद हमने इसको बाहर रख दिया है और इसको हल्का ऊपर उठाए, और यहाँ पे फ्रेंड्स अच्छा से देखिए, आपको यहाँ पे एक नट नज़र आएगा। देखिए आपको नज़र आ रहा है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये सामने, तो आप इस नट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये वाला भाग आपको बाहर आ जाएगा, जैसे कि हमने बाहर निकाल लिया है और ये नट आ गया बाहर। अब इसको हम बाहर निकालेंगे, बाहर हमने निकाल लिया है, और यहाँ से हम इसको बाहर निकाल लेंगे, जैसे कि हमने इसको खींच लिया है और इसको बाहर कर लिया है, और इस सिरिंज को हम इसमें घुसेड़ेंगे। हम इसको नज़र सिरिंज को इसमें डालेंगे और हम इसको क्या करेंगे, आप इसको यहाँ से ऐसे खींचेंगे, जैसा कि हम खींच रहे हैं। फ्रेंड्स आपको ध्यान देना होगा कि प्रिंटर पे इस साइड पे, आइए हम आपको ओपन करके ही दिखा देते हैं। और हमने ये ओपन करके ही आपको दिखा देते हैं, दोनों नट को ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद हम नट को, इस हेड को, ये लॉक हेड को इस साइड नहीं आने दे रहा है इस साइड पे, इसलिए हम इस लॉक को, ये पीछे जाएगा तभी हेड आएगा इस साइड पे। तो हम इस चक्री को घुमाएंगे इस साइड पे, इन गियर घुमाएंगे, तो जो लॉक है वो पीछे हट जाएगा।
फ्रेंड्स देखिए वो जो लॉक है वो बैक साइड हट गया है। अब हम इसको इस साइड में ले जा सकते हैं। ले जाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा घुमा देंगे इसको पंप को। अब पंप घूम चुका है। अभी घूमने के बाद हम इस हेड को कुंटे में खिसका देंगे ताकि हमारा हेड का जो इंक है वो पाइप के थ्रू, हेड के थ्रू और बैक साइड से जो पाइप लगी हुई है बेस्ट इंक वाली, हम उससे खींच सकें इंक, तब भी हमारी जो एरर है वो जाएगी। फ्रेंड्स अब देखिए हमारी इंक जो आने लगी है, आप देख पा रहे हैं जैसे कि आप इंक आ रही है, तो जो हमारा एरर है वो एरर इसी के थ्रू हटेगा। जो 00 00 31 जो एरर है वो इसी के माध्यम से हटा पाएंगे आप। ये दो तरह की जो एरर होती है वो इस पंप की एरर होती है, इस पंप की एरर होती है और ये हेड की एरर होती है। इस प्रकार आप इस एरर को हटा सकते हैं और अपना जो प्रिंटर है वो सही कर सकते हैं। और इसके बाद आपको वापस आपको सेट करना है जैसा आपका प्रिंटर था। तो इस प्रकार जो है आप अपने प्रिंटर को सही कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको वापस सेट कर देना है इस पर। और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो एरर आती है ये आप या तो लोकल इंक फिल इसमें करने की वजह से एरर आती है, यानी लोकल इंक आपने फिल किया और वो जो इंक है वो हेड में गई और हेड को जाम करने के बाद जो है ये एरर आना चालू हो जाती है। तो आप लोकल इंक से बचें और इसमें हमेशा ओरिजिनल इंक डालें, कंपनी की इंक उपयोग करें 03। दोस्तों आप इसको वापस सेट करना है जैसे कि हमने इसको खोला था। तो जैसे कि हमने खोला था इसे वैसे हम इसको सेट कर रहे हैं। हम इसको क्या कर रहे हैं, वापस सेट किए दे रहे हैं जैसे हमने इसको ओपन किया था। हमने इसको वापस सेट कर रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस नट को हमने ओपन फिट कर दिया है। इस कवर को फिट करके प्रेस कर देंगे, ये फिट हो जाएगा और लगा देंगे बैक साइड पे वापस नट। और इस जो सिरिंज में आपने निकाला है इसको बाहर फेंक देना है डस्टबिन में, आपको वापस में नहीं डालना है क्योंकि ये मिक्सिंग होती है। आइए चालू करते हैं, देखते हैं कि एरर क्या आ रहा है। मैंने पावर ऑन कर दिया है और मैंने ऑन कर दिया है प्रिंटर को। अब टेस्ट करते हैं कि एरर आ रही है कि नहीं आ रही है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि एरर नहीं आ रही है। और मैं कागज को यहाँ पे रखता हूँ। और फोटो कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कागज को रख दिया है तो थोड़ा साफ पेपर ले लेता हूँ। ये मैंने बटन दबा दिया है।
जैसे कि मेरा प्रिंटर है वो प्रिंट कर रहा है, और फाइनली मेरा प्रिंटर वो सही हो चुका है।